नहीं नहीं यह चावल नहीं है, यह तो प्लास्टिक है। अगर प्लास्टिक नहीं है तो कुछ और है। इसे खाने से हमारे बच्चे बीमार हो रहे हैं, पेट फूल जा रहा है, दस्त की शिकायत हो रही है। हम तो ऐसे नहीं खाएंगे। कुछ इसी प्रकार की शिकायत जन वितरण प्रणाली ने उपभोक्ता कर रहे हैं। लोहरदगा जिले के सुदूरवर्ती कुड़ू प्रखंड के पिपलिया गांव के ग्रामीणों की ऐसी ही शिकायत है। ग्रामीणों का कहना है कि उन्हें राशन दुकान से जो चावल दिया जा रहा है उसमें चावल के आकार के सफेद दाने मिल रहे हैं, जिसे बिना निकाले खाने पर बच्चों का पेट खराब हो जा रहा है। इसमें तो ये प्लास्टिक वाला चावल है और हम लोग फुलाए। हम मैंने बोले का बोल रहा है गाँव का घर वाला कि प्लास्टिक चावल है, तो हम सोचे फुला के देखो का बोला। हम थोड़ा सा फुलाए एक गिलास में, फिर थोड़ा देर फूल गया उसको मिस पीस कर मिस रहे हैं तो पूरा एकदम अति हो गया। कुछ चावल का आधा है आधा कोई काची है, पता नहीं चलता है प्लास्टिक है कि काची। और चुन के रखें हम लोग, और हम लोग तो डीलर पास नहीं गया कब गए हैं कि ऐसा है चावल चाहे कुछ है। हम लोग चुन चुन खा रहे हैं इसको हटा के। अब मेरा गांव के चाचा लगता है गया था, वो तो उसका चावल रख अपर महीना नहीं अगला मने 2-3 महीना पहले वो चावल को रख लिया और बोल रहा है कान कि चावल नहीं है, दूसरा चावल लेना ले जाओ, नहीं लेना है तो छोड़ दो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम फूलदेल हो रहा है। ये चावल में खराबी ये है कि प्लास्टिक चावल है, पता नहीं क्या चीज़ है। हम लोग के खुद मालूम भी नहीं है प्लास्टिक है ना क्या है, लेकिन जब बिन चुने हुए खाए थे तो बच्ची को झाड़ा होने लगा और पेट फूल गया, उल्टी करने लगी। तब से हम लोग चुन चुन के बनाते हैं, इसे ही चुन चुन के खाते हैं इसको। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।